शिट 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 रुक जा रुक जा आ रहे ऐसे नहीं ऐसे नहीं उधर से उधर शिट 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 रुक जा रुक जा आ रहे My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Okay, मत टक्का, समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे, साइड रोकते हैं. ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई, हाथ से हैं, पूरा रोड गई. ये देखना, कहाँ आ रहा है? I can't move on till I let go. तो गाइस हमारी अब पैकिंग वैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा ऐसा रूम है और वॉशरूम भी ओके ओके है. ठीक है, सो हमें जो रूम मिला वो 700 का मिला था. एक दो दिन पहले 800 का था, अभी तो महंगे हो रखे बट ना ये और सस्ते हो जाते हैं, 300-400 रुपए का मिलते हैं. तो बस अब यहाँ से निकल के ऊखी मठ के लिए, आज वहाँ ऊखी मठ पर रेस्ट करेंगे एंड देन अगले दिन ट्रैकिंग करेंगे मध्यमेश्वर की. प्लान में कुछ अपडेट है, दूंगा अपडेट चलते चलते आपको मोटर व्लॉगिंग. चलो स्टार्ट करते, सीधा मोटर व्लॉगिंग मिलते. So hey guys, welcome back to my channel. This is I'm Mr. Kreider and we are back with another video. So it's been 11:51 AM. तो अभी हम हैं रामपुर, जो केदारनाथ से कुछ ही किलोमीटर दूर है और यहाँ से अब हम निकलेंगे ऊखी मठ. तो हमारा जो होटल है वो ये होटल था. नंबर आप देख रहे हो, नंबर नोट कर लो, यू कैन कॉल एनी टाइम, आप आ सकते हो. ऑफ सीज़न 400-500 रुपये का रेट होता है एंड थोड़ा पीक सीज़न में थोड़ा महंगा हो जाता है, बट हमें 700 और 800 में ही मिला है. तो और देख रहे हो लैंड स्लाइडिंग भाई साहब खतरनाक हो रखा है, कोई भरोसा नहीं होता कब लैंड स्लाइडिंग कब आ जाए. देख रहे हो कल परसों में लगा रखा है ऐसा हुआ है. ओए होए ये है ना जन्नत, पहाड़ी पहाड़. हमारा प्लान यही है गाइस, आज हम रेस्ट करेंगे रानसे विलेज में और कल हम ट्रैकिंग करेंगे और फिर वहाँ पे एक दिन रेस्ट करेंगे और देन परसों आएंगे हम नीचे. परसों नीचे आते आते हम दिल्ली निकल जाएंगे साथ में, क्योंकि यार हम वी डोंट हैव मच टाइम. मैं सोच रहा हूँ अंदर पंदर ढीले हो जाते भाई खड्डों में चला चला के, अपने भी और बाइक के भी. गाइस एक चीज़ यही बताना चाहूँगा, जब भी आप ना पहाड़ों पे टर्न्स ले लो जो ब्लाइंड स्कर्ट्स है, प्लीज़ वहाँ पे हॉर्न जरूर मारना, क्योंकि आगे से गाड़ी वाले कभी कभी मारते हैं वो हॉर्न, कभी कभी नहीं मारते तो वो साइन मिलता नहीं है. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ना यहाँ पे फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं. भयंकर कैसे लैंड स्लाइडिंग हुई, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई, हाथ से हैं पूरा रोड गई. ये देखना कहाँ आ रहा है. भाव रे भाव देख रहे हो, बाप रे बाप क्या रास्ता हो रखा है भाई, पूरी आधी रोड गई, पूरी आधी रोड गई. यहाँ खोद के थोड़ा इन्होंने जगह बना रखी है, मैंने पूरी रोड गई. देख रहे हो गाड़ियों क्यों रुक रखी है, बिकॉज आगे लैंड स्लाइडिंग इतनी खतरनाक हो रखी है. देखो कितनी खतरनाक हो रखा भाई, डेंजरस रोड, और हम इस डेंजरस रोड पे डेंजरस खिलाड़ी बन रहे. एक पैर अगर फिसल रहा ना तो गाड़ी स्किट हुई तो आप सीधा गड्ढे पे नीचे नदी पे मिलोगे, पवन से दूर. ओ वाव वाटरफॉल स्टार्ट हो चुकी है, बहुत गंदी वाली, बहुत गंदा पैच है ये ऊखी मठ तक का. समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे, साइड रोकते. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the theme. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, this a dream. And I pray as a team, live it right, that's the theme. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it, yeah. ये पूरी रोड गई, देखो कितनी रोड थी, पूरा आधा वे गया यार. और ये देखो कितना बड़ा पत्थर आया था,
उसने वही तोड़ दिया नीचे का। भयंकर गाइस देखो ये एक वाटरफॉल है यहाँ का, ठीक है। तो हम लोग यही कहते हैं इस वाटरफॉल पे आओ भाई साहब, अभी तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें रेनबो दिखता पूरा। फिर ऑफ रोडिंग, ये जो 30 किलोमीटर का पैच है ना, बहुत गंदा पैच है भाई, देख रहे हो ऊपर से गधेरा है। ओ भाई पहले निकालो, भाई क्या भीड़ हो रही है। तो गाइस हम लोग ये वाला बैंड एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। देख रहो भाई पूरी रोड गई। ओ भाई गुप्त काशी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं गाइस गुप्त काशी। तो गेटवे ऑफ केदारनाथ इसको भी बोला जाता है गुप्त काशी को। यहाँ से दिल्ली 425 एंड हरिद्वार 203 है। जब भी ऊखी मठ की तरफ आ रहे हो ना, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं करेगा, या तो आप गूगल के थ्रू आओ, अदरवाइज एक रास्ता जाता है सन्याल घाट, तो सन्याल घाट की तरफ आप आ जाओ, कट ले लो। वो सन्याल घाट आपको सीधा डायरेक्ट रांची विलेज में कनेक्ट करा देगा, ठीक है। तो गलत मत चलना, तो हमेशा पूछ लेना यार प्लीज़, ताकि कोई गलती वलती ना हो किसी से। जितनों को भी लेके आता हूँ ना अपने साथ, और खास कर भाई को दूसरी बार लेके आ रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम अपने गांव लेके आता था भाई फुल खुश था, ठीक है। इस टाइम भी इसको लेके आ रहा हूँ तो ये अभी भी खुश है, ठीक है। इसको मतलब हैप्पीनेस इसकी खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। तो भाई खुश अच्छा लगता है मेरे को भी कि भाई हंस रहा है, ठीक है, और इन्जॉयमेंट कर रहा फुल, ठीक है। तो देखो दोनों भाई एक साथ ही चला रहे हैं दोनों की बाइक। वन इज रेड ब्यूटी एंड अदर इज वाइट ब्यूटी। बाय बाय। क्या कर रहा है, मरवा दिया था अभी इसने। तो गाइस ये बोर्ड देख लो, ठीक है। ऊखी मठ जाना हमने, तो हम ऊखी मठ के लिए यहाँ से कट लेंगे, और वो भी न्यूट्रल में। भाई इतनी भीड़ आ रही है क्या, ऑनेस्टली पागल हो जाएंगे इतनी भीड़ आ गई तो। फिर मध्यमेश में भी इतनी भीड़। ओ भाई ओ तेरी, मैं तो सोच रहा था यहाँ की रोड अच्छी होगी, ये तो बैड एक्सपीरियंस हो गया। बहुत ही खतरनाक रास्ता पवन। शिट 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 शिट, रुक जा रुक जा, आ रहे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, उधर से उधर से उठा उधर से उठा उधर से बाय गाइस, रुक जा। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.